रिमेंबर एवरी वन लास्ट वीडियो विच असी कंट्रोलर एंड कंट्रोलर के फंक्शन के बारे डिस्कस किया सी, बट इस वीडियो दे विच असी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड एपलेट साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल डिस्कस करांगे। सो ये है साडा टैलीग्राम लिंक, अगर तुसी हले तक इहनू फॉलो नहीं किया तो इहनू फॉलो करो फॉर PDF। इंस्टाग्राम लिंक है, फॉलो करो फॉर फर्दर बैचेज अपडेट एंड पेपर्स की अपडेशन के लिए। एंड फेसबुक लिंक है, अगर तुसी साडे चैनल हले तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब करो। सब तो पहला ये थोड़ी जी इनफॉर्मेशन पुरानी है, तो जो अपकमिंग बैचेस ने उन्हां दी इनफॉर्मेशन लई तुसी सानू इस वीडियो उत्ते कॉल कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो सब तो पहला वर्ड एडजुडिकेट जो है उहदा मतलब की है, एडजुडिकेट इट मीन्स टू आइडेंटिफाई और टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है जी, तो वो तो वर्ड आ गया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ठीक है जी, सेक्शन 46 ऑफ द एक्ट ग्रांट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू अपॉइंट द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। कौन अपॉइंट करता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नू? सेंट्रल गवर्नमेंट। टू होल्ड एन इंक्वायरी टू एडजज अपॉन कंप्लेंट्स बीइंग फाइल्ड बिफोर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द एक्ट। नाउ कॉन्ट्रावेंशंस का मतलब क्या होता है? ब्रीच। ठीक है, ब्रीच का की मतलब होंगी है? उलंघना करना। तुसी एक्ट दी की कीती है? उलंघना कीती है, मतलब एक्ट इज अ लॉ, तुसी कानून दी की कीती है? उलंघना कीती है। ठीक है जी, तो जदों तुसी कानून दी उलंघना करोगे तो उहदे लई की है? कंप्लेंट्स होणगियां, तो किहदे अगे जाणगियां? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर दे अगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अ स्टेट गवर्नमेंट एज अ एडजुडिकेटर। तो जिहड़ा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ? ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਬਟ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਪਾਵਰ ਟੂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦ ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਮੇ ਬੀ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮਸਟ ਹੈਵ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਸਟ ਹੈਵ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, IT ਐਂਡ ਲੋ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਓਵਰ ਕਲੇਮ ਆਫ ਡੈਮੇਜਸ ਅਪ ਟੂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਸ। ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਲੇਮਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਸਾਈਬਰ ਐਪਲੀਏਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ। ਫੋਰ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਐਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਇਜ਼ ਵਿਸਟਡ ਵਿਦ ਸਰਟਨ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਮਸਟ ਫੋਲੋ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਵਾਇਲ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਰ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮਸਟ ਫੋਲੋ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਵਾਇਲ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦ ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਸ਼ੈਲ ਆਫਟਰ
हैविंग द पर्सन अ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल आफ्टर गिविंग द पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग रीप्रेजेंटेशन इन द मैटर. शैल और मे का फर्क हुंदा है, ठीक है, मे हुंदा है हो सकदा या नहीं भी, शैल उत्थे लग जाता है, इत्थे कंपल्सरी हो गया, ठीक है जी, कि तुसी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी ही देनी है. एंड इफ ऑन सच इंक्वायरी ही इज सैटिस्फाइड दैट पर्सन हैज कमिटेड द कॉन्ट्रवेंशन, मतलब ब्रीच उल्लंघना की है, ही मे इम्पोज सच पेनल्टी और अवॉर्ड सच कंपनसेशन एज ही थिंक्स फिट. ठीक है, जो भी दायरा है वो अकॉर्डिंगली, जो जो भी गिवन सज़ा तो उही सुनाई जा सकती है जो लॉ विच लिखी होंगी है, ठीक है, या पेनल्टी या फाइन उन्ना ही या पेनल्टी या फाइन उन्ना ही इंपोज किया जा सकता है, मतलब कि लगाया जा सकता है जिन्ना लॉ विच हुंदा है. हुण कई बार वो कह देंगे ना अप टू 3 लैक्स या मैक्सिमम 3 लैक्स, नॉट एक्सीडिंग 3 लैक्स, वह मतलब यह हुंदा है भी 3 लाख तो ज़्यादा नहीं. तो हुणे वो हाथ च है कि वह 3 लाख का फाइन लाना चाहता है या 2 लाख का फाइन लाना चाहता है. सो जजमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग इज बाइंडिंग. ठीक है, जो भी जजमेंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर दिंदा है क्या वो बाइंडिंग है? बाइंडिंग मतलब उत्ते लागू होएगी. यस इट इज बाइंडिंग. जब उन्होंने सिविल कोर्ट का दर्जा देता तो इट इज बाइंडिंग. हेंस द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 46 इज अ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी. क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी का मतलब हुंदा है कि जुडिशरी वांग काम काम करने वाला. ठीक है, ठीक है जी, वो अथॉरिटीज जड़ियाँ क्या है, जुडिशरी दे वांग ही काम कर दिया ने. ठीक है, क्योंकि इन्हों भी देखो सिविल कोड दे इक्वलेंट दर्जा दिता है. सिविल कोड तो नहीं किया, दैट इज अ प्रॉपर जुडिशरी. ठीक है, इक्वलेंट के दे दर्जा दिता है सिविल कोड दे. ठीक है जी, तो जज और मैजिस्ट्रेट दे विच एक डिफरेंस हुंदा है. मैजिस्ट्रेट दे विच एक डिफरेंस है. की डिफरेंस है? जज हुंदे ने सिविल कोर्ट्स दे, ठीक है, मैजिस्ट्रेट हुंदे ने क्रिमिनल कोर्ट्स च. सो ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर इट शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अंडर द इंडियन पीनल कोड और शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. ठीक है, हुण तुसी इत्थे तो थोड़ा जा थानू डाउट लगूगा कि मैम तुसी तां कहा जी सिविल कोर्ट जिन्नी पावर है ते इत्थे क्रिमिनल प्रोसीजर लिखता. नाउ आई जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर दे अगे प्रोसीडिंग चलदियां ने दोज आर इक्वल टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग. जिवें कोर्ट दी प्रोसीडिंग है उवें ही इह प्रोसीडिंग मन्नी जाएगी अंडर द, क्योंकि उन्हां नूं आपां अंडर द आईपीसी पीनल कोड, मैं पहलां थानू कराया सी आईपीसी दियां धारां लग जांदियां ने नाल नाल जदों आईटी एक्ट दी उल्लंघना हुंदी है. ठीक है, ते फिर और शैल बी डीम टू बी सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. ठीक है, अगर तुसी कोई इदां दी एक्टिविटी करदे हो तां थानू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दे अंडर भी की है सज़ा सुनाई जा सकते हो, बट इहदे कोल पावर किहदे इक्वलेंट है? सिविल कोर्ट दी. ठीक है, इट इज़ क्लीयर दैट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज वेस्टेड विद द सिग्निफिकेंट जुडिशियल पावर इंक्लूडिंग द पावर टू इन्फोर्स सर्टन क्रिमिनल पेनल्टीज एंड इज एन इंपॉर्टेंट क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी. ठीक है, की होंदियां ने क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी? जिहड़ियां दे आर नॉट प्रॉपर जुडिशियल जुडिशरी बट दे एक्ट लाइक अ जुडिशरी, तो उन्होंने आप कहने क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज. सो आई टी सैकटरी इन एनी स्टेट इज नॉर्मली द नॉमिनेटेड एडजुडिकेटर फॉर ऑल सिविल ऑफेंसिज अराइजिंग आउट ऑफ डेटा थेफ्ट एंड रिजल्टेंट लॉसिज इन द पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, तो मेनली कहता जरा आई टी सैकटरी हों. ठीक है, एक तो की नहीं होना चाहिए, डायरैक्टर तो थले दे रैंक का बंदा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर तुसी नहीं ला सकते, राइट? तो आई टी मेनली कहता आई टी सैकटरी जोड़ा हों, जिहड़ा स्टेट का आई टी सैकटरी हुंदा उहनूं ही की नॉमीनेट किया जाता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. ठीक है, फर्स्ट एडजुडिकेशन ऑबटेनड अंडर दिस प्रोविजन वॉज इन चेन्नई तमिलनाडु इन अ केस इनवॉल्व आई सी आई सी आई बैंक इन विच द बैंक वॉज टोल्ड टू कंपनसेट द एप्लीकेंट विद द अमाउंट रोंगफुली डेबिटेड इन इंटरनेट बैंकिंग. ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बेचारे के अकाउंट चो पैसा निकल गया. डेबिट हुंदा तो मतलब अपना पैसा निकल जाता है. ठीक है, तो की किया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਭਰੋ ਕੋਸਟ ਵੀ ਭਰੋ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡੈਮੇਜਸ ਹੋਏ ਆ. ਤੋ ਹੂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਦ ਰੋਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ
या ड्यूटीज ऑफ एडजुडिकेटर ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 48। द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज इस्टेब्लिशेस एपलेट ट्रिब्यूनल कॉल्ड अ साइबर रेगुलेशन एपलेट ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो स्पेसिफाइज इन द नोटिफिकेशन ऑल द मैटर्स एंड प्लेसेज विच फॉल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की दस्या होया है, सेंटर दी सरकार ने सारे मैटर्स भी मेंशन किए हुए ने जो क्या है ट्रिब्यूनल दी ज्यूरिसडिक्शन दे विच आंदे आ। मैं पहला समझाता ना थानू ज्यूरिसडिक्शन की हुंदी आ। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश वन और मोर एपलेट ट्रिब्यूनल्स टू बी नोन एज अ साइबर रेगुलेशन एपलेट ट्रिब्यूनल। एक तो ज्यादा साइबर रेगुलेशन एपलेट ट्रिब्यूनल हो सकती है, यस हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑल्सो स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन रेफर्ड द मैटर्स एंड प्लेसेज इन रिलेशन टू विच साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल मे एक्साइज ज्यूरिसडिक्शन। यही गल उन्हें रिपीट करती, ठीक है जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन मतलब कि अपडेशन या उन्होंने नोटिफिकेशन सेंड करके या लेट दस सकती है कि कड़े कड़े मैटर सिर्फ साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल के अंडर आते हैं या कि आएंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 49 च मैंशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स ओनली वन परसन इन अ ट्रिब्यूनल। एक ट्रिब्यूनल विच एक और ओ की होएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। यू नो द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है जी। अपॉइंट हुंदा है एंड क्या है प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना है इट इज़ जस्ट लाइक अ लॉ, जिदा आप पॉलिटिक्स पढ़ते सी किनू अपॉइंट करते हैं, किनू नॉमीनेट करते हैं, किनू इलेक्ट करते हैं, इतने अपॉइंटमेंट होंगी है। याद रखना है कि साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल दे विच प्रिजाइडिंग ऑफिसर हुंदा है ते उन्हों अपॉइंट कौन कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 50। अ पर्सन इज कंसिडर्ड क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ ट्रिब्यूनल इफ, ठीक है, इज हैज बीन इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। या तो हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, ठीक है, या वो क्वालिफिकेशन इक्वलेंट होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज की। पता है थानू हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन की होंगी है? पढ़ो पॉलिटी जाके, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। होर की होंगी है 5 ईयर, सॉरी 7 ईयर जज इन लोअर कोर्ट, और दोनों चो एक चीज़ या 10-7 सालों लिए लोअर कोर्ट के जज लगा हो या फिर 10 सालों लिए एडवोकेट एज एडवोकेट प्रैक्टिस की हो वन और मोर हाई कोर्ट्स के विच एंड एमिनस ज्यूरिस डिस्टिंग्विश ज्यूरिस जिन्होंने लॉ की बहुत जानकारी हो वही हाई कोर्ट का जज लगता है। तो जोड़ा भी बंदा तुम अपॉइंट कर लगे हो साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल या तो जज लगा हो, ठीक है, रह चुका हो, या फिर क्या है वो जी अपॉइंटमेंट जी क्वालिफिकेशन है दैट वुड बी इक्वल टू द जज ऑफ हाई कोर्ट और हैज़ बीन अ मैंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस एंड इज होल्डिंग और हैज़ हेल्ड अ पोस्ट इन ग्रेड वन ऑफ दैट सर्विस फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, ठीक है, या इंडियन लीगल सर्विस दे विच 3 सालों लिए ग्रेड वन द ऑफिसर या तो लगा हो मतलब उन्हें 3 साल पूरे कर ले या, पहला लगा रह चुका हो, ठीक है जी। टर्म ऑफ ऑफिस सेक्शन 51। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ साइबर एपलीएट ट्रिब्यूनल इज 5 ईयर, ठीक है। किन्नी टर्म है? 5 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग द ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है, विच एवर इज अर्लीयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2021 किसी ने अपॉइंट किया एंड 2023 किन्ने साल का हो गया? 65 का, मतलब वैसे तो उन्हें 4 साल ही पूरे किए अपने कार्यकाल के पर वो की हो गया 65 का, तो वो की हो जाएगा? रिटायर, ठीक है। या तो वो सोच लो 2021 किन्ने का आया? 60 साल का है, तो आराम ना 2025 तक लगा रहेगा क्योंकि उन्हें अपनी एज कदों अटेन करनी है। 65 भी लेट है, वो 5 साल पूरे भी हो जाएंगे, विच एवर इज अर्लीयर। जे जे वो रिटायरमेंट तो पहला 65 तो पहला वो 5 साल पूरे हो जाते हैं तो वो टर्म फिनिश हो जाएगी। फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी सेक्शन 53, ठीक है। इफ फॉर एनी रीजन अदर देन टेंपरेरी एबसेंस, ठीक है, टेंपरेरी एबसेंस मतलब लीव से गया, छुट्टी से गया होया या बीमार है, ठीक है। इस तो अलावा अगर वैकेंसी आती है, देर इज अ वैकेंसी इन द ट्रिब्यूनल, दैन द सेंट्रल गवर्नमेंट हायर्स अनदर परसन इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट टू फिल द वैकेंसी। फर्दर द प्रोसीडिंग कंटिन्यू बिफोर द ट्रिब्यूनल फ्रॉम द स्टेज एट विच द वैकेंसी इज फिल्ड। तो ऐदा होंगे है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी होर बंदे नूं की करेगी? अपॉइंट करेगी, ठीक है। सो रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, क्या वो रिजाइन कर सकता या उन्हें रिमूव किया जा सकता? यस,
रेजिग्नेशन, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस आफ्टर सबमिटिंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. केनू रिजाइन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट नू. ही होल्ड ऑफिस अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव सच नोटिस अनलेस द गवर्नमेंट परमिट्स हिम टू रिलिंक्विश हिज ऑफिस सूनर. ठीक है, जे उन्हें अज रिजाइन देता 3 महीनों तक उन्होंने ऑफिस च रहना पेगा. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने कह दें कि विद इन 1 month उन्होंने कहती है कि हाँ जी तुम अपनी कुर्सी छोड़ दो, तो थोड़ा रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड है कि तुम लीव करो, तो वो चला जाएगा उस तो पहला. अदरवाइज उन्होंने 3 months उत्थे लाने ही पैणगे, और या फिर क्या है जब तक वह सक्सैसर नैक्सट अपॉइंटेड बंदा नहीं आ जाता उद तक रहेगा. अगर 3 महीनों के बीच बीच क्या है होर नवा बंदा रख लिया उन्होंने, या क्या है अंटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज ऑफिस विच एवर इज अर्लीयर, या वो पहला ही टर्म फिनिश होगी जो भी पहला हो गया विच एवर इज अर्लीयर, उन्होंने फिर वह की है उन्होंने जाना पेगा. रिमूवल हो सकता येस मिसबिहेवियर और इनकपैसिटी. ठीक है, अगर मिसबिहेव करता है या इनकपैसिटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू रिमूव द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द साइबर एपलिएट ट्रिब्यूनल. कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. हाउएवर दिस ओनली आफ्टर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट्स एन इंक्वायरी. पर रिमूव कदों करेगी? उदों ही जदों ओदे खिलाफ क्या है एक सुप्रीम कोर्ट का जज की करता है इनक्वायरी करेगा. वेयर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज अवेयर ऑफ द चार्जिज अगेंस्ट हिम, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नूं पता हुंदा भी मेरे ते की एलीगेशन लगे की चार्जिस लगे, एंड हैज़ अ रीजनेबल ऑपरचुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो वो अपने आप नूं अपना पक्ष रख सक अपने आप नूं बेकसूर साबित कर सकता, अपना पक्ष भी रख सकता है. ठीक है, याद रखना किहड़ा जज सुप्रीम कोर्ट दे जज दे अंडर इनक्वायरी चलती है उहदी. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिसबिहेवियर और इनकपैसिटी ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है जी, तो कहिंदा सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पावर है अगर वो पूरा रेगुलेशंस बनाना चाहती है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अगर कल इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो की प्रोसीजर होएगा, वो बना भी सकती है. नेक्स्ट है ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटिंग एपलेट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल एंड नॉट टू बी इनवैलिड इट्स प्रोसीडिंग. ठीक है जी, कहिंदा नो ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी परसन एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल कैन बी क्वेश्चन इन एनी मैनर. कहिंदा ठीक है जी, अगर क्वालिफिकेशन पूरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बंदे नूं अपॉइंट करता है तो तुसीं कितें भी जाके उहदे अगेंस्ट क्या है कितें जाके कितें क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इहदी अपॉइंटमेंट की हुई है. ठीक है, सैक्शन 56 स्टाफ ऑफ द साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल. ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल विद सच ऑफिसर एंड इंप्लॉइज एज द गवर्नमेंट मे थिंक फिट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल नू जिन्हें ऑफिसर उन्होंने चाहिए या इंप्लॉइज चाहिए है जिमें सरकार नू अच्छा लगता वह दे सकती है उन्होंने. द ऑफिसर एंड इंप्लॉई ऑफ द साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल शैल डिस्चार्ज देयर फंक्शन अंडर द जनरल सुपरडेंस ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. पर वो सारे काम के अंडर करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर दे, एंड सैलरी एंड अलाउंसिस एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द ऑफिसर एंड इंप्लॉइज और द साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है जी, सैलरी एंड अलाउंसेस. ठीक है, ये सारा कुछ जो भी है ये कौन डिफाइन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी. ठीक है, जिन्हें भी ऑफिसर या इंप्लॉइज उत्थे काम करते हैं इन्हां दी सैलरी या अलाउंसेस कौन डिफाइन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी. नेक्स्ट है अपील टू साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल सैक्शन 57. कौन कौन अपील कर सकता है? ठीक है जी, कहिंदा अ परसन नॉट सैटिस्फाइड विद अ कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑर्डर एंड अपील टू द साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल हैविंग ज्यूडिसडिक्शन इन द मैटर. ठीक है, अगर वो ज्यूडिसडिक्शन है और जड़ा एक परसन है वो नहीं सैटिस्फाइड हैगा कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर दे डिसीजन तो नहीं सैटिस्फाइड है तो वो कितने जा सकता साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल को. नो अपील शैल लाई टू द साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज. अगर दो पार्टीज ने आपस च समझौता किया है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अगे हूँ वो अपील लैके उपर नहीं जा सकते. ठीक है, द परसन फाइलिंग द अपील मस्ट डू सो विद इन 25 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. किन्ना टाइम है थोड़े को अगर तुम कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन के खिलाफ अपील करना चाहते हो तो किन्ने दिन है थोड़े को? 25 दिन ने. विद इन 25 days के करने हैं अपील करनी है. फर्दर ही मस्ट अकंपनी द अपील विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस. हाउएवर इफ द ट्रिब्यूनल इज सैटिस्फाइड विद द रीजन बिहाइंड द डिले ऑफ द फाइलिंग द अपील.
ठीक है जी। पर इन सच रीजन किसे बहुत वड़, कोई बहुत वड्डा रीजन हो गया जिहदे कारण वो 25 दिनों च अपील नहीं कर सकया, फिर की होगा? कहिंदे हाँ जी फिर वो अपना वैलिड रीजन ट्रिब्यूनल नूं दसे, जो भी फीस है उत्थे दी वो भर के दोबारा अपील कर सकदा है। ठीक है, तो उस मैटर दे विच ट्रिब्यूनल क्या है, देन दे मे एंटरटेन इट इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 25 डेज। ठीक है, ऑन रिसीविंग एन अपील द ट्रिब्यूनल गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पार्टीज टू द अपील टू स्टेट देयर पॉइंट बिफोर पासिंग द ऑर्डर। ठीक है, तो इत्थे भी वही है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बोथ पार्टीज नू सुन के ही की करेगा वो अपना डिसीजन देगा। द साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल सेंड्स अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड टू ऑल द पार्टीज टू द अपील एंड द कंसर्न कंट्रोलर एंड द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगी ओदी कॉपी पार्टीज नू भी देगी एंड कंट्रोलर या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कंसर्न नू भी भेजेगी। द ट्रिब्यूनल इट ऑल्सो ट्राइज टू डिस्पोज ऑफ द अपील फाइनली विद इन 6 मंथ्स ऑफ द रिसीविंग इट। तो किन्ने टाइम दे विच ओह अपील नू फाइनल करनगे? 6 महीनों दे विच विच। ठीक है, ट्राइज टू लिखा हुआ है। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डज नॉट बाइंड द साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल, हाउएवर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस गाइड इट एंड इट इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। द ट्रिब्यूनल हैज पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर्स। ठीक है, तो कहिंदा एपलेट ट्रिब्यूनल नू ए कोई बाइंडिंग नहीं है कि उन्हें जो प्रिंसिपल्स है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दे उही फॉलो करेगा। ठीक है, बट इन्ना ध्यान दियो भी जो इस्टैबलिश इहदे जिहड़े ट्रिब्यूनल दे प्रोसीजर्स ने ये आप बना सकता भी ये चीज़ नू इस तरीके ना करना, पर नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नू जरूर फॉलो करेगा, फेयर जस्टिफिकेशन देगा, फेयर जजमेंट देगा। चलो मैं ही दस दिनी हाँ, ऑलरेडी एक होमवर्क दे दिता होया है। सो पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सानू की दसदा है कि साडे देश विच की है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, उतों पावर मिलती है ट्रिब्यूनल्स बनाउण दी, एंड ट्रिब्यूनल्स आर डायरेक्टली अंडर द सुप्रीम कोर्ट, यू नो दैट, है ना। सो ट्रिब्यूनल्स केड़े ए जिहड़ा पार्ट है केड़ी अमेंडमेंट दे नाल आया सी? सैकेंड अमेंडमेंट 1976, जिहनूं असीं की कहिंदे आ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इस अमेंडमेंट का नाम है, इस अमेंडमेंट का। ओके, ईदा दिस अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उदो साढ़े देश पीएम कौन सी? इंदिरा गांधी। यस और नो? फर्स्ट वूमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पावर है कि वो अपने प्रोसीजर जो किस तरीके ना काम करना है रेगुलेट कर सकता है। इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज इस फंक्शन एफिशिएंटली द ट्रिब्यूनल हैज़ द सेम पावर एज वेस्टेड इन द सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, वाइल ट्राइंग अ सूट इन द फॉलोइंग मैटर, इन्हा मैटर्स दे विच सिविल कोर्ट वांग किवें काम करेगा। समनिंग एंड इंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी परसन एंड एग्जामिनिंग हिम अंडर अ ओथ। ठीक है, कहेगा भी वो बंदा आया उसकी अटेंडेंस नू देखो, उन्होंने समन कर सकता है या उन्होंने इनफोर्स कर सकता है भी चलानी है, एंड एंड एग्जामिनिंग एग्जामिनिंग होंगे तो पूछ गिछ करनी अंडर ओथ। ठीक है, कर सकता है, सहुं चुकवा सकता है। इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, ठीक है, वो कह सकता है भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है जी पेश किए जाए, तो ही डॉक्यूमेंट देखेगा तो जजमेंट देगा। रिसीविंग एफिडेविट्स ऑन एविडेंस ऑफ एफीडेविट्स। ठीक है, कोर्ट के जो तुम कोई बयान दिने तो एफीडेविट्स से रिकॉर्ड करवा लेंगे कई बार, वो भी कर सकता है। इशू कमीशनस फॉर एग्जामिनिंग विटनेसिस और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कमीशनस ये नहीं है कि पैसे देने, कमीशनस हुंदा है कोई प्रॉपर कमीशन बिठाना, ये भी कर सकता है कि किसी विटनेस नू एग्जामिन करना या डॉक्यूमेंट्स नू एग्जामिन करना। रिव्यूइंग इट्स डिसीजनस, अपने डिसीजन नू भी रिव्यू कर सकता है, जिहड़ा पहला डिसीजन लिया सी अगर कोई दोबारा आंदा तो उन्हें भी रिव्यू कर सकता है। डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी। ठीक है, किसी की भी एप्लीकेशन नू हुण जे कोई पेश ही ना हो, पार्टी का मतलब होंगे कि एक पार्टी पेश हो रही है दूसरी पार्टी उत्थे पेश ही नहीं हो रही। ठीक है, तो दैट इज़ अ एक्स पार्टी डिसीजन। ठीक है, तुसी पेश ही नहीं हुए तो उत्थे की आ वो एक एक तरफ का वो की कर दूगा डिसीजन दे देगा। एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल इज लाइक अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सैक्शन 193 एंड 228 एंड फॉर द पर्पज ऑफ सैक्शन 196 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। फर्दर ट्रिब्यूनल इज लाइक अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ सैक्शन 193 एंड द चैप्टर 24 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सेक्शन 193 का मतलब होंगे
कि अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स एविडेंस पेश करता है कोर्ट के अगे, उन्हें पनिशमेंट मिलती है। फिर अगर तुसी कोई फॉल्स एविडेंस पेश करते हो, कोई डॉक्यूमेंट पेश करते हो, एविडेंस उनका प्रूफ पेश करते हो कोर्ट के अंडर, वो फॉल्स निकलते तो थानू की मिलेगी पनिशमेंट। कहे सैक्शन अंदर 19 20 28 होंगे कि अगर तुसी कोर्ट के अंडर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, ये अंडर बेसिकली सैक्शन 20 28 IPC उत्थे लगता है। अगर तुसी किसी भी सिविल सर्वेंट न, ठीक है, सरकारी मुलाजम तंग करते हो जो कि है एज अ कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग दे विच चल रहा हो, कोई इस तरह का काम कर रहा है, तो वो थानू पनिशमेंट हो सकती। 195 सैक्शन ये कहता कि अगर तुसी कोर्ट के विच फॉल्स डॉक्यूमेंट्स देंदे हो कोई भी, ठीक है, अगर थोड़ी इंटेंशन है कोर्ट को गुमराह करने की, वो लाइफ इंपेरिजमेंट की पनिशमेंट भी हो सकती है। लीगल रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 59, द एप्लीकेंट जो भी एप्लीकेंट कौन होता है, पर्सन हु अप्लाइज टू अ हायर कोर्ट फॉर अ रिवर्सल ऑफ अ डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट। द कहते तो जो एप्लीकेंट कौन होता है, जो एक्चुअली लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, रिवर्सल मतलब उसको रिवर्स बल्कि उसको दोबारा अपील करना चाहता है जी, जो भी लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया है उसको रिवर्स करो, तो वो हायर कोर्ट में जाता है। तो एप्लीएंट कैन आइदर अपियर इन पर्सन और ऑथराइज्ड वन और मोर लीगल प्रैक्टिशनर्स टू प्रेजेंट हिज केस बिफोर द एप्लीएट कैन आइदर अपीयर इन पर्सन, मतलब वो खुद भी उत्थे पेश हो सकता है। ट्रिब्यूनल, वो खुद भी जा सकता है अपियर इन और या फिर किसी नू ऑथराइज्ड भी कर सकता है ओदे बिहाफ ते लीगल प्रैक्टिशनर्स नू, ठीक है जी, किसी नू ऑथराइज्ड, जिदा आपां वकीलां नू भेजदे हां तां वकील नाल वकालतनामा साइन करते हैं, यस दिस परसन वकालतनामा होंदा कि ये मेरे बिहाफ ते, मेरा लॉयर है जी, ये मेरे बिहाफ ते हुण मेरा केस लड़ेगा, मेरे बिहाफ ते पेश भी होएगा। सो लिमिटेशन सेक्शन 20, द प्रोविजन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाइज, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, सो एक लिमिटेशन ए है कि कोई भी सिविल कोर्ट नॉट टू हैव ए ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 21, ठीक है। तो जो आईटी एक्ट है जिहड़ा, उस साइबर ट्रिब्यूनल नू या फिर एडजुडिकेशन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नू कुछ मैटर्स क्या है स्पेशली दिंदा है कि इन्हां उत्ते यही केस सुन सकदे ने, तो उत्थे कोई भी सिविल कोर्ट उस प्रोसीडिंग नू कोई भी सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती, किसी भी सिविल कोर्ट च नहीं तुसी जा सकते, थानू कित्थे जाना पौगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल कोल ही जाना पौगा। सो अपील टू हाई कोर्ट किवें होंदी है, हाई कोर्ट च अपील कहिंदा, लेट्स से दैट अ परसन इज़ नॉट सैटिस्फाइड विद द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, इन सच केस ही कैन फाइल एन अपील विद द हाई कोर्ट, ठीक है, वो हाई कोर्ट को जा सकता है अगर वो ट्रिब्यूनल दे ऑर्डर तो सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन, तो ही मस्ट डू सो विद इन 60 डे ऑफ द रिसीविंग द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर डिसीजन फ्रॉम द ट्रिब्यूनल, एंड द अपील कैन बी ऑन एनी फैक्ट और लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है, किसी भी फैक्ट से जो भी थोड़ा ऑर्डर में कोई देखो अपील चाह क्या नहीं, ये मैंने मंजूर नहीं है जी, तुम वह कोई फैक्ट कटते हो वो पिछले कोई धारा नू एक्सप्लेन करूंगे ये गलत लगी है या इन ये जस्टिस नहीं है, ठीक है, वो इन्हें कहने की कोशिश की थी, एनी फैक्ट और लॉ, द हाई कोर्ट कैन एक्सटेंड द पीरियड बाय अनदर 60 डेज इफ इट फील्स दैट एप्लीएट हैड सफिशेंट कॉज एंड रीजन फॉर द डिले। 60 दिनों का थोड़े को टाइम है, हाई कोर्ट 60 दिन लेट भी सुन सकती है अगर उन्होंने लगता है कि थोड़े को जेन्यून इशू सी। सो कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन का दा मतलब है कि क्लबिंग, क्लब कर देनी, ठीक है। द कंट्रोलर और एनी अदर पर्सन ऑफिसर दैट ही और द एडजुडिकेटिंग ऑथराइजेज मे कंपाउंड एनी कॉन्ट्रावेंशन, कंपाउंड कर देना मतलब तुसी कोई जिदा फॉर एग्जांपल तुसी 3 सेम तरह दी ब्रीचेस कीतियां, तो थानू 50 50,000 की हो गया फाइन हो गया, क्लब करके उन्हें कहता ओके 60,000 या 1 लाख दे दो एनी अमाउंट, ठीक है, दिस इज क्लबिंग। कंपाउंडिंग इज पॉसिबल आइदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग, दिस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कंट्रोलर और सच अदर ऑफिसर और द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर स्पेसिफाइज, प्रोवाइडेड द सम डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी दैट द एक्ट अलाउज फॉर द कंपाउंडेड कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है जी। एक्चुअली जो सामने किया हुआ है उस तो ज़्यादा भी नहीं
ਉਹਨੂੰ ਪਲੰਟੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਅਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਕਮਿਟ ਦ ਸੇਮ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 3 ਈਅਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 3 ਈਅਰਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਕਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਿਮਿਲਰ ਬ੍ਰੀਚਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਫ ਪਰਸਨ ਕਮਿਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਦ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 3 ਈਅਰਸ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇਟ ਔਨ ਵਿਚ ਹਿਸ ਫਸਟ ਕੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਕੰਪਾਊਂਡਡ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਬਿਕਮ ਹਿਸ ਫਸਟ ਕੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹਿਸ ਫਸਟ ਕੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗੇਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੀਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਂਸ ਅ ਕੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਅੰਡਰ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1, ਦੈਨ ਨੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਪਰਸਨ ਗਿਲਟੀ ਆਫ ਦ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਕੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੀ ਕੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੀ ਬ੍ਰੀਚਿਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਨ ਭਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੋ ਡਬਲ ਜੀਓ ਪਾਰਡੀ ਸੀ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਸੋਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਨੋ ਡਬਲ ਜੀਓ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਪੈਨਲਟੀ, ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 64, ਇਫ ਅ ਪੈਨਲਟੀ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੇਡ, ਦੈਨ ਦ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਰਿਕਵਰਡ ਐਜ਼ ਐਰਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਰਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਦਰ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਜ਼ ਸਸਪੈਂਡਡ ਅੰਟਿਲ ਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਇਜ਼ ਪੇਡ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥੋਰਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪੈਨਲਟੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ।